रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आई हूँ जी, आज मैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको पता है मौसम इतना खराब है, तो मेरा दिल कर रहा है क्यों ना बारिश में जो है ना नहाया जाए। तो इधर से ये देखे बादल जो है ना वो गरज रहे हैं। तो आइए मैं आपको भी दिखाती हूँ। अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला। तो ये देखे जी, माशाल्लाह बेटी भी आई हुई है और इसके पेपर हो रहे हैं, ये इसलिए ये आई है। मामा आप आज इतना क्यों बताती हैं? आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। नहीं ना, तो मैं उसको बता रही हूँ कि माशाल्लाह बेटी आई हुई है और इसके पेपर हो रहे थे, तो आज माशाल्लाह इसका नेक्स्ट सॉरी आखिरी पेपर था। इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। तो ये मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर आए वो पकड़ ले उसको, क्या कहते हैं वीर। जितनी बारिश हो रही है तो मैं क्या बताऊँ, मैं और मामा ऊपर आए मौसम इंजॉय करने, और बारिश होने लग पड़ी है। आप ऐसे बोलते रहते, कभी ये करती है वो, कभी वो करती है, तो बंदे को काम हो तो मामा कर रहा बंद करते। तो मैं पेपर्स के लिए आई, मामा कितनी दफा बताती, फिर भी आप ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ये नहीं, कुछ नहीं, मेरे व्यूअर तो कुछ भी नहीं कहते। आपके व्यूअर्स करते हैं तो मैं नहीं करते। मेरे पास उन्होंने एक दफा बोला था कि बेटी अपने घर की होनी गई, बस इतना उन्होंने बोला था। तो पहना जी ना, आइए मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। इतना अच्छा मौसम है, दिखा रहे इधर बना डैड। आज आप बोलेंगे आप हर बोल रही हो। आज मुझे ना दिल कर रहा है कि नहाने, मौसम भी अच्छा है और मैं ना आज पेपर अच्छा बने, इसलिए मुझे लग रहा है इनको खुशी होगी मेरे मेरी खुशी नहीं। वैसे मैं खाना बनाने लगी थी, लाइट नहीं थी, गैस नहीं था, पानी नहीं था, तो मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने कहा चलें जी, क्यों ना मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर करती हूँ और शाम की रूटीन शेयर करते हैं। इतनी तूफानी बारिश, तूफान और बारिश, ये देखें बारिश आ गई है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है, ये तो अभी मैंने ना ये जो है ना प्लांट भी हमारा करना है, इसको मैंने लगाना है और दूसरे प्लांट में, और इसका मैं क्या करूँ, ये इधर से पकड़ा नहीं जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं फिर से अगर जिन्होंने रिमाइंड किया उसको सॉरी, लेकिन जिन्होंने बोला मैं उनके लिए बोल रही हूँ, और कैसा कुछ नहीं। मामा को आ गए, छुप गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ? नहीं ना, ये नहीं खुल रहा, ये प्लांट मैंने लगा रहा था इसके अंदर, मुझे मेरा दिल कर रहा क्यों ना इसके अंदर लगा दी, ये बहुत बड़ा है। ये अच्छा जी, ये मैं प्लांट फार्म कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने लगानी है मनी प्लांट, और यही मुझे खाली मिल रहा है, इसके अंदर लगा देती हूँ। और आज बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश का, बारिश इसके अंदर जाएगी ताकि ये ना और ज़्यादा जो है ना इजी हो जाएगा। और बारिश आ गई है तो मेरा दिल कर रहा है क्यों ना मैं ना अंदर ही चली जाऊँ, ये ना हो कि मैं बीमार हो जाऊँ और फिर आपके साथ वीडियो कैसे शेयर करूँगी। वो देखें मौसम, बादल जो है ना वो गरज रहे हैं बहुत ज़्यादा, और क्या उसको कहते हैं वो जो बिजली कड़क रही है बिजली कड़क रही है। इधर से नजर आ रही है, ये देखिए। तो पहना जी ने, ये मेरी बेटी है, ये भी माशाल्लाह इतने अच्छे व्लॉग बनाती है, और आप देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, जरूर इसी वीडियो भी देखा करें। वैसे तो इसके पास टाइम नहीं होता क्योंकि ये घर में अकेली होती है, तो बच्चा छोटा है अभी, तो इसके जो है ना ससुराल वाले वो तो मुझे प्रमोशन दे रही है, आपने जरूर करना है। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको आज को बहुत ज्यादा बोला है कि जो है ना वीडियो बना। तो पहला दिन मौसम आपको मैंने दिखा दिया है, अब आए चलते हैं नीचे जाके तो खाना बनाते हैं। अल्लाह करे तो लाइट आ जाए और मैं जल्दी खाना बना लूँ, क्योंकि मियाँ साहब आने वाले हैं, उन्होंने मुझे डांटना है, कहना है कि आपको अभी पता नहीं चला, क्योंकि मौसम की वजह से सुबह की 9 बजे की लाइट जो है ना वो गई हुई थी, अभी 5 बजे आई है, उसके बाद फौरन जो है ना मौसम खराब हो गया, दोबारा से लाइट चली गई। तो आइए नीचे चलते हैं। पेपर के बाद मुझे ना छोटे भाई ने ये दिया, कहता है खोल के खाना अगर ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। मुझे भी, मैं भी खाऊं डोनट्स। अभी नीचे जाकर खोलती हूँ, उसकी पिक बनाती हूँ, तो फिर बता करती हूँ। चले आए नीचे चलते हैं। और आज मैंने कपड़े वॉश करने थे, वो भी मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि लाइट की वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो गया था। Yeah.
माशाल्लाह नीचे आ गई हूँ और मैंने आते ही शुरू कर दिया है जो है ना खाना बनाना। लाइट आ गई थी और मौसम की वजह से ना लाइट गई हुई थी, तो अभी आई है तो मैंने आते ही शुरू कर दिया। ये देखे जी मसाला मैंने तैयार करने के लिए रखा हुआ है, साथ में ये काली तोरी है, साथ में आलू है। किस किस ने बनाई है, पहली दफा मैं बना रही हूँ काली तोरी और साथ में आलू। तो मैंने ना कल ही बस कल देखी है मैंने किसी को बनाते हुए, जो कि मेरी टेलर है ना मेरे कपड़े सिलाई करती है, उसने बनाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आज ट्राई करती हूँ, अगर सही बनी तो उसके बाद फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। साथ में इसकी आवाज़ की वजह से ना आपको सही समझ नहीं आएगी तो मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। देखिए साथ में मैं जो है ना आपके साथ तूफानी बारिश के साथ साथ ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम की रूटीन भी। आज हमने क्या बनाया, ये हमने बनाई है काली तोरी और मैंने आटा जो है ना अच्छी तरह जो है रखा हुआ है डाल के, इसको भी मैंने साथ साथ आटा भी गूंदना है और साथ साथ इनको जो है अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ। ये देखें तो साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर आलू भी, तो बड़ी मज़े की सुना है रेसिपी बनती है। और ये देखें जी मेरा साथ लेके आए हैं तरबूज, उसको मैंने रखा हुआ है पानी के अंदर क्योंकि आज इतना ठंडा है ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना इसको इधर निकाल दूँ। तो किचन माशाल्लाह नीट क्लीन है, बच्चों ने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हुए, तो क्योंकि लाइट आई है तो एकदम से ये किसे रखे। ये प्याज पहले मैंने बनाने लगी थी चावल, तो फिर हमने नहीं बनाए तो इसलिए अभी जी साथ साथ आटा गूंध लेते हैं और साथ साथ जो है ना बना लेते हैं। इसके अंदर मैंने डाला एक चम्मच नमक, क्योंकि नमक बहुत ज़रूरी है, नमकियात की कमी की वजह से ना बहुत सारी मसले बन जाते हैं। तो मसाला जो है ना तैयार हो गया, इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले आलू। ये देखें मैंने इसके अंदर डाला है क्या कहते हैं ना प्याज टमाटर हरी मिर्च बस, और साथ में मैंने ऑयल डाला है हरी सुरख मिर्चें काली मिर्चें हल्दी और नमक डाल के मैंने मसाले को अच्छी तरह तैयार कर लिया है। और इसके साथ डाल देते हैं इसके अंदर आलू, आलू डालने के साथ साथ ही बिल्कुल जो है ना प्याज जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये बिल्कुल हो जाएंगे तैयार हो गए। अच्छा जी मैंने काली तोरी भी डाल दी है, ये देखिए पानी इसको ज़रूरत नहीं है लगाने की क्योंकि ये खुद पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। अभी जो है ना मैं इसको बंद कर देती हूँ और साथ साथ जो है ना आटा गूंद देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटा शुरू करती हूँ। ये देखिए आटा मैंने गूंदना शुरू कर दिया, पहले हम बनाने लगे थे चावल, चावल मैंने छोड़ दिए। फिर आप कहते हैं बार बार एक बात को दोहराती हो, चावल इसलिए छोड़ दिए मियाँ साहब कह रहे हैं कि सुबह हमने बनानी है बिरयानी और हो सकता है कि हम जाएँ कहीं आउटिंग पे, इसलिए जो है बच्चों के साथ, तो मैंने सोचा कि चले चावल इधर ही छोड़ देते हैं। फिर मेहंदी मैंने आज लगाई हुई है, बड़ी अच्छी लग रही है। ये देखें मेहंदी लगाई है मैंने, अरक इसको कहते हैं नाहनों पे भी, और टिक्की भी मैंने लगाई है क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि बहुत अच्छी लगती है, आपको आप लगाया करें। दरिया पे जाना, हाँ दिल तो कर रहे हैं कि दरिया पे जाएं क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह हो सके तो गर्मी ना हो तो फिर बंदा चला ही जाए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फिर आप फ्रॉक पहन और टोपी पहन क्योंकि ईद पे कहीं भी नहीं गए और बच्चे जो है ना वो सब कह रहे हैं कि मामा आप बच्चों के पेपर थे उनकी वजह से कुछ जो है ना मौसम की वजह से इसलिए कहीं जा ही नहीं सके। तो आगे ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो मैंने कहा चले क्यों ना आपके साथ कुछ हट के व्लॉग जो है ना शेयर किए जाए। आज बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज जो है ना साथ साथ बोल रही हूँ ना इसलिए लग रहा है। मैंने कहा चले क्यों ना मेरे नाज़रीन इतना मुझे प्यार देते हैं और इतनी माशाल्लाह मेरी वीडियो बात करते हैं, तो फिर ये है कि बंदा आपके साथ खुश खुश रहे। मेरी बहू जो है ना दोनों हांडी बना रहे हैं, वो रोटियां बना रही हैं, तो जो प्यारी सी रोटी है वो आपको खाते हैं। अच्छा जी तो ये था आज का हमारा गांव के स्टाइल का खाना शाम का, और साथ में तूफानी बारिश और शाम की रूटीन, सब कुछ मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया है।
छोटी सी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट सुरमा फैल गया वो बदला मेरा करा भी जाता है।